मैंने उसको बोला है मेरी गाड़ी निकालनी है रेंटल से ठीक है। और वहाँ से उसको अपग्रेड करने लेके जाना है, तो आप मेरे को और उसको दोनों को रेंटल से उठाएंगे, आप एलेक्स और एंड्रयू, ठीक है ठीक है? मेरे को भी कर लेना किडनैप। ठीक है ठीक है, श्योर। स्टार्ट नहीं हो रही, हम्म, उतरो गाड़ी से एक बार, चाबी दो मेरे को पहले, चाबी दो। दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथों पर, रेड़े पे हाथ नहीं, दोनों हाथों पर, दोनों हाथों पर, बाहर सर, बाहर सर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, पीछे घूम, आराम से, आराम से। क्या पी इसको? नहीं मैं नहीं पीता हूँ, पी इसको, मेरे को मना करा था, प्लीज मत पिलाओ पी इसको, वरना जबरदस्ती मुंह में डालूंगा। पी फटाफट मुंह खोल के दरवाजा, फटाफट पी, बहुत कड़वी पी, दूसरी भी पी, दूसरी भी अब तो खुद से हम जो जो पूछेंगे वो बताना शुरू करेगा या हम शुरू करें अपने डंडे पे तेल लगाना, बता पूछा 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 बता। थोड़ी सी वो दे दो। क्या दे दू? मुंह में कड़वाहट हो रही है बहुत। मैं अपना मुंह में दूं तेरे, मिठास डाल दूं? चुपचाप जो जो पूछूंगा उसका सीधा सीधा जवाब दे, वरना मेरे तीन गिनने तक ये लोग तुझे गोली मार देंगे, समझा? ठीक है, पूछो पूछो। क्या करता है शहर में? क्या क्या कह रहे? क्या करता है शहर में? कौन क्या करता है शहर में? तू और क्या मैं? आप या मैं? क्या कह रहे हो? तू क्या? तू भाई इसके नशे उतारने सर चकरा रहा है मेरा। हाँ ये आप ठीक करो, बता चुपचाप क्या करता है शहर में? मैं मैनेजर हूँ फास्ट लेन का। कौन कौन काम करता है तेरे से? क्या क्या कह रहे? कौन कौन काम करता है तेरे साथ? मेरे साथ गाड़ियां काम करती हैं। मजाक कर रहा है, ये मजाक कर रहा है। कोई नहीं है, मैं गाड़ी डंप कर रहा था। गाड़ियां मेरे साथ काम करती हैं, मैं गाड़ियों के साथ काम कर रहा हूँ। एक मिनट, उसका नशा मैं उतारता हूँ, रुको। ये जो वायर कट करके लेके आया ना, हाँ इसको इसको झटका दो जरा। है वो स्विच ऑन करना जब मैं बोलूंगा। फिर लगाऊं? फिर लगाऊं? बड़ा नाजुक है यार ये तो। एक ही झटका लगाया मैंने। बेरोज होता रहेगा ये तो, हमें यहाँ पे हमारा दिन निकाल देगा ये। पानी मार दे मुंह पे दोबारा। एक मिनट, वो संडास वाला पानी लेके आ रहे जो बाहर है। अरे हाँ इधर है ना। गोली, अगर गोली मारना तो पानी में क्यों फेंके? बॉडी भी नहीं मिलनी चाहिए, गया किधर? अच्छा उठ उठ, देख तूफान, तू हमारे से कोऑपरेट कर, हम तेरे से कोऑपरेट। यार मेरा बहुत बहुत सर चकरा रहा है मेरा। अपना नाम तो बता दो एक बार प्लीज। तू हमारा नाम जान जाएगा। दिस इज योर डैडी, नॉटी सेंटर। डैडी? यस। पूछो, जाके पूछ लेना शहर में कौन है नॉटी सेंटा। नॉटी सेंटा शहर में मुझसे कोई प्यार नहीं करता यार। अब इस शहर के लिए मैं शायद मर चुका हूँ, तो किससे ही पूछूंगा? कोई दोस्त नहीं है मेरा अब यहाँ पर। क्यों, क्या हो गया ऐसा? बस एक पूसी सुशी रोल के पीछे उन्होंने मेरे से लड़ाई करी है। इतने सालों की, इतने टाइम की दोस्ती भूल गए वो मेरे साथ। अच्छा एक बात बता, तुम्हारे ग्रुप में कौन कौन है? कौन सा ग्रुप? व्हाट्सएप ग्रुप?
व्हाट्सएप तू हाँ व्हाट्सएप ग्रुप करना मतलब है, बिल्कुल वो नहीं लग रहा है क्या यहाँ पे मजाक करने आया क्या लटका दूंगा बोल रहा हूँ अरे अरे बताओ तो कौन सा ग्रुप क्या ग्रुप यार बहुत ग्रुप्स होते हैं तुम लोग का ग्रुप तुम लोग के दोस्त अच्छा दोस्त वाला ग्रुप कौन कौन है उसमें मतलब जिसने तो डेली घूमता जिसने तो डेली घूमता अच्छा मैं ताकत भाई एटफोल्ड मार्टिन बंटी छतरी वाला जारा हायत देन कभी कभार लेक्स मैवरिक भी आते हैं एटफोल्ड के साथ कैसे रिलेशन है एटफोल्ड मार्टिन इज वेरी क्लोज टू मी ठीक है वो हमें पता है आगे बता हाँ मुझे ये नहीं पता कि एटफोल्ड किडनैप हुआ था मुझे बस इतना पता है कि उसके ऊपर बाउंटी आई थी एक $1 million की ठीक है एंड कोई लीजन करके बंदा है उसने ट्वीट डाला था तो उस दिन के बाद से लास्ट जो मैंने चीज़ देखी थी वो ये देखी थी कि पीडीएम के अंदर से कुछ ऑफिसर्स थे आई गेस एक तो रॉबर्ट टाइलर वीर सूर्यवंशी निको ये चार ऑफिसर्स तो मैंने देखे थे जो आए थे पीडीएम के अंदर तो पीडीएम का जो चेंजिंग रूम है वहाँ पर वो एटफोल्ड को लेकर गए पर उसके बाद एटफोल्ड बाहर नहीं आया था एक ब्लैक सूट में बंदा विद ब्लैक मास्क बाहर आया था उसको हैंडकफ करके वो लेके गए थे एंड मुझे शक है कि शायद वही एटफोल्ड था तो मुझे इतना याद है कि वो लास्ट उसके साथ ही गए थे उसके बाद वो मुझे नहीं दिखा वो कहाँ गया किसके साथ गया क्या हुआ दो दिन हमने लगातार उसको ढूंढने की कोशिश करी है पर वो नहीं मिला देख तूफान इतना तो तू क्लोज है कि जब एटफोल्ड वापसी आएगा उसने तुझे कांटेक्ट तो करा होगा बिल्कुल हमारी बात हुई क्या बताया उसे किसने उठाया था क्या था नहीं हमारी एक हीट हो गई थी लड़ाई हुई थी हमारी उसके बाद तो अच्छा मतलब तू कहना चाह रहा है कि तूने दो दिन उसको ढूंढा और वापस आते ही उसने तेरे से लड़ाई कर ली नहीं अपने सबसे क्लोज दोस्त से वो कोई पुराना रीजन था जिसकी वजह से लड़ाई हुई ठीक है इट वॉज रिलेटेड टू थोड़ा हमारे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह चेक्स वगैरह तो जिसकी वजह से हमारी लड़ाई हुई थी तो हमारे मैं उससे मिला था हमारे साथ बंटी सर भी थे जो मेरे ओनर हैं एंड आप देख सकते हो मेरा फ़ोन खोल के कि एटफोल्ड ने मुझे ब्लॉक कर रखा है और तुम लोग एक इन्वेस्टमेंट की बात को लड़ते हो सच सच बताएगा वरना वरना इनसे हाथ धो बैठेगा पहले छोड़ो पहले छोड़ो मेरे को मत बता मेरे को पहले क्या करना है मेरे को मत बता मेरे को पहले क्या करना है मेरे को मत बता लक्ष्म गोटा नहीं तुम्हारा राइट साइड दूर बॉटल दिख रहा है पिछवाड़े में डाल के तोड़ देंगे बता बोल बोल क्या चीज बता सच बता सच ही तो बताया ये क्यों सिर्फ इन्वेस्टमेंट की वजह से तुम लोग ने बात करनी बंद कर दी और उसने तुझे ब्लॉक कर दिया ऐसा तो नहीं नहीं और भी बहुत रीजंस थे जो चल रहे थे बट हां तो वो रीजन बता क्या अरे रीजंस वर नॉर्मल एक तो इन्वेस्टमेंट वाला था ठीक है देन एटफोल्ड वाज नॉट लाइकिंग कि मैं अपने नए दोस्तों के साथ घूम रहा था कौन तो वो चीज कौन नए दोस्त लाइक हमारे मैकेनिक्स जो नए आए हैं तो लाइक एक होता है ना कि प्रोफेशनल क्या करता है मार्गमनी का बोल ठीक है मैं बता देता हूँ पर प्लीज ये चीज पता नहीं चलनी चाहिए कि मैंने बताई है चीज कभी बाहर नहीं जाइए पता तो होता ऐसा है कि जो मार्क्ड मनी होता है उसके बैग्स होते हैं ठीक है वो खुद ताकत भाई होते हैं किसी का भी रैंडमली नाम ले ले हम और ले। कौन कौन मिला हुआ है ताकत एक मिनट पहले उनका खिलाफ कोई प्रूफ एविडेंस है उनके खिलाफ कोई प्रूफ एविडेंस यार
उन्होंने सारी चीजें बहुत शेडी वे में करी थी। रुक जा, शांत हो जाओ, सारे पीछे हट जाओ। एक बंदा इसकी रिकॉर्डिंग लाइव लीजन को भेजेगा। ठीक है, तो इन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे, ठीक है, तो जी सबके बारे में थोड़ा सा पूछा इन्होंने, तो मैंने ये बताया इनको कि जो हमारे ताकत भाई हैं वो थोड़ा सा धोते हैं। क्या धोते हैं? क्या धोते हैं? अपने कपड़े और मागमनी। इसको गरम सलिया डाल। मागमनी बोला तो वो बोला तो बता। तो मागमनी जो है ताकत उसका क्या करता है? ताकत भाई उसे धोते हैं। और उसके बाद वो नहीं पता मुझे कहाँ धोते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि मेरे तूने बोला इसका... तूने बोला कि तूने उनको तूने बोला कि तू उनको मदद किया था एक जैसे बार। मैं आपको अभी मदद कर रहा हूँ यहाँ खड़े होकर। तू बोला कि तू उनको मदद किया था कि नहीं? हाँ, तू वो पैसा धोने में उसकी मदद कैसे किया? मदद किया? मॉरल सपोर्ट दिया था उसे हैं? नहीं, पैसे धोने में मैंने मदद करा था। तो वही तो कहाँ पे? अरे नहीं पता ना मेरे को, पुलिस वाला गुंडा सर पे हेडबैग पहना के लेके गए थे मेरे को वहां तक। अपने पूरे ग्रुप में और किसी के बारे में कुछ ऐसी बात नहीं यार। एट फोल्ड और तेरी लड़ाई अभी क्यों हुई है? जस्ट बिकॉज ऑफ सम इन्वेस्टमेंट रीजंस और कुछ और बच्चे नहीं पर्सनल मैटर्स। हम लोग बच्चे नहीं है। तू उसके साथ होता है, वो तेरे पास से किडनैप हो जाता है, वो वापस आता है और तेरे से बात किसने कहा मैं उसके साथ था? किसने कहा मैं उसके साथ? तू अभी बोला ना हम गए थे कार वो पीडीएम तक मैं उसके साथ था। हाँ, ठुल्ले का नाम लिया था ना, ब्लैक एंड ब्लैक में गया था। तू ही बोला ना बस। फिर जब लड़ाई हुई है तो साथ कैसे घूम रहे हो? कौन साथ घूम रहा है? नहीं, कल मेरे पास उनका भी कॉल आया था, ऑफिसर राणा का, तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि एट फोल्ड नहीं, तुम पीडीएम पे हो गया, तुम एट फोल्ड के साथ हो। तो मैंने कहा नहीं, मैं फास्ट लेन पर हूँ, मैं उसके साथ घूम नहीं पा रहा हूँ क्योंकि उसने मेरे को ब्लॉक कर रखा है, मेरे को पता नहीं हो रहा था वो किधर है। इस बार तुम नहीं, नहीं देखो बाद में अगर लीजन को ये पता लगा कि तुमने उसे डबल क्रॉस किया है तो तुम लीजन को तो मैं जानता ही नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। बट वो तुमको जानते हैं ना? वो तुम्हें जानता है? नहीं, उंगली किया था ना उस दिन, हम देख रहे थे ट्विटर पे उसको, उनको भी बहुत उंगली करता है ना यार। मैं एट फोल्ड की फिक्र करता हूं अपने बॉस के बारे में। बता अपने नहीं नहीं, लीजन को तुम कुछ उस दिन ट्विटर पे बोल रहे थे ना, उसका नतीजा ये है। उन्होंने तुम लीजन की तरफ से आए हो? तुमको वो सब क्यों? सब जानना इसको, सब जानना इसको, सब जानना। नहीं, हम पिंकेज की तरफ से आए हैं तेरे को हराम। तू पूछेगा क्वेश्चन कि हम पूछेंगे? और किसी के बारे में पूरे ग्रुप में तेरे को कुछ पता है? यार मुझे नहीं पता यार, मैं एट फोल्ड और ताकत भाई के साथ ही सबसे ज्यादा घूमता हूँ। बंटी भाई के बारे में क्या बताया तेरे को? तेरे को जल्दी बता, बंटी के बारे में क्या बताया? जल्दी बता यार। यार मेरी बात सुनो, आप ये कह रहे हो ना कि बंटी भाई पे इतनी गाड़ियां कैसे? नहीं नहीं, वो सब नहीं। हाँ वही भाई, जाके वो रेड मेंशन के लिए खड़ा भी था ना उधर यार, लड़ा भी था। रेड मेंशन कितना गया था? हाँ, कितना लेके गया था पैसा रेड मेंशन पे? 38 मिलियन। कहां से उसमें इतने पैसे? कहां से? जल्दी मैं बताता हूं। अच्छा, मैं बताता हूं। हां बताओ, मुंह खोल पड़ा पड़। मैं बताता हूं, सुनो, ये स्ट्रेटजी थी बॉस, पीछे थोड़ा सा, ये स्ट्रेटजी थी। किस बात का? सुनो, एक्चुअली हुआ क्या था कि अभी आई गेस आपने देखा होगा कि रियल एस्टेट वालों की एक एड आई है जिसके अंदर नए घर जो है वो ऑक्शन के लिए लग रहे हैं, राइट? हमें कभी रेड मैंशन चाहिए ही नहीं था। हमें पता था कि जो सामने वाली पार्टी है वो कितना ज़्यादा रेड मैंशन को चाहती है, तो हम सिर्फ प्राइस को बढ़ाते गए टू अ पॉइंट जहाँ हमें लगा कि वो नहीं बढ़ेंगे। हमने ख़रीदना ही नहीं था, लास्ट बेट कभी हमारी होनी ही नहीं थी, तो हमने वो लास्ट बेट तक हम जाते गए। पैसे चाहे हमारे पास नहीं थे, स्टिल हम जाते गए। अच्छा, अगर वो बैकअप कर देते, अगर वो बैकअप करते तेरे तो गोटे माह में आ जाते। बट बंटी भाई इज इनटू दिस फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो वो उस चीज को ध्यान में रखते, क्योंकि अच्छा। जिस स्पेस में
जो हेला मैम है वो कर रही थी बार बार वो चीज बेट कर रही थी, लाइक बंटी भाई एक बेट करते थे उसके साथ ही, सोचना भी नहीं पड़ता था, बंटी भाई फिर भी सोच रहे थे कि क्या नेक्स्ट मूव जो होगी हेला मैम की वो ऐसी तो नहीं होगी कि वो बेट ना करे। अच्छा। इसलिए बंटी भाई सोच रहे थे, डर रहे थे। एंड क्या हम एडवेंचर लेना ही नहीं था, हम इसमें सुन रहे हो ना एवरीवन, हम ना कि बंटी ने ये यूज करता वर्ड हम, तो अकेले हम बंटी भाई, अकेले बंटी भाई थोड़ी है। और कौन थे फिर, मतलब जो कौन हमारे कौन और कौन कौन थे बोला तुमने, और कौन लेक्स मैवरिक थे, लेक्स मैवरिक थे और दारा हायत थी, एट फोल्ड पिन था। चल मैं तेरे को छोड़ दूंगा ठीक है तूफान, ये मैग्नस फ्यूरी कैसा बंदा, मैग्नस फ्यूरी हाँ। वो भी तुम लोग के साथ ही है ना एक्चुअली। बॉस मेरे दिमाग में एक इंटरेस्टिंग सवाल आया, बिल्कुल जितना जल्दी बताएगा उतना जल्दी तेरे बचने के चांसेस हैं, जितना लेट करेगा उतना जल्दी तेरे मरने के चांसेस। मैं बताता हूं मैग्नस साफ सीधी बात। तो स्टार्टिंग में मेरे को याद है कि जो मैग्नस है वो हमारे साथ घूमा करते थे थोड़ा बहुत, देन एकदम से वो कहीं गायब से हो गए, पता नहीं किधर रहते थे। एक बिजनेस है सिटी में VSS करके, वाइनवुड सेल स्टोरेज, ठीक है। तो उनके जो ओनर्स हैं नरेंद्र फौजी और धर्मपाल, वो उनके साथ बहुत रहते थे, एंड लाइक उनके एम्प्लॉयज हैं कुछ जो फास्ट लेन पे आते हैं, उन्होंने एक बार मेरे से पूछा था कि कोई फैमिली वगैरह को, फैमिली पता नहीं क्या ऐसा कुछ बोला था कि फैमिली वगैरह कोई जानते हो जो डब्बे खरीद ले हमारे से। मैंने कहा तुम फैमिली वालों को क्यों अप्रोच कर रहे हो, हमें भी डब्बों की जरूरत पड़ सकती है, हम अपने टूल्स इंजन वगैरह रखने होते हैं सेफ। कहते नहीं आपको नहीं पता, फैमिली वालों को ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं जितना देखा था वो मैग्नस जो है वो उनके साथ ज़्यादा घूम रहे थे। ठीक है मत मारो प्लीज, मत मारो मेरे को।